We are going to go to Genesis 22. Okay, I'm going to read up till verse 13, 12, or 13. And uh, you can read later. Yeah. So Genesis 22, are we all there? Utpati 22. Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering, on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering, and he arose and went to the place of which God had told him. Then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. And Abraham said to his young men, Stay here with the donkey, the lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and the two of them went together. But Isaac spoke to Abraham his father and said, my father, and he said, Here I am, my son. Then he said, Look, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. Then they came to a place of which God had told him, and Abraham built an altar there, and placed the wood in order, and he bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood.

उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलोते पुत्र ईसाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊँगा होम बल्ली करके चढ़ा सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी का कसकर कस अपने दो सेवक और अपने पुत्र ईसाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यही ठहरे रहो यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा सो so, इब्राहिम ने होमबली की लकड़ी ले अपने पुत्र इसक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े ईस्ाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा हे hey, मेरे पिता उसने कहा हे hey, मेरे पुत्र क्या बात है उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है पर होमबली के लिए भेड़ कहाँ है इब्राहिम ने कहा हे hey, मेरे पुत्र परमेश्वर होमबली की भेड़ को उपाय आप ही करेगा सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिस परमेश्वर ने उनको बताया था पहुँचे तब इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र ईसा को बांध के वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे तब यह हुआ कि दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा इब्राहिम hey इब्राहिम hey उसने कहा देख मैं में he जो पहला है कि जो परमेश्वर इन सारी बातों के पश्चात जब परमेश्वर योवा इब्राहिम से कहता है उसकी परीक्षा करने के लिए तो इब्राहिम उससे कहता है की देख मैं यहाँ हूँ Abraham is God's friend. जो अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त कहा गया है। Now after these things meaning what has happened in the past with Abraham? इन बातों के पश्चात मतलब जो कुछ भूतकाल में इब्राहिम के साथ हुआ था। God is still testing him. और फिर भी अभी भी परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहा है। Abraham at this time was at least 100 years old.

तो उसको तीन बातें करना है लेना है जाना है और होम बलि चढ़ाना है अभी वचन कहता है, तू अपने पुत्र अर्थात एकलोते पुत्र ईसाक को जिसे तू प्रेम रखता है सो गॉड इज हिम टेक नाउ योर सन योर ओनली सन आई गॉड इज कन्फर्मिंग परमेश्वर कि तू अपना पुत्र अर्थात अपना इकलौता पुत्र ईसाक को तो परमेश्वर यहाँ पर उसको सूचित करता है कि तेरा इकलौता पुत्र ही है नाउ एब्राहम हैज फ्रॉम हेगार अभी अब्राहम का और एक बेटा था जो हेगर से उसको हुआ था हिज नेम वाज इस्माइल उसका नाम इश्माइल। बट गॉड हैज टोटली कट आउट इस्माइल फ्रॉम हियर एंड सेड टेक योर सन योर ओनली सन Whom you love Isaac और यहाँ पर परमेश्वर ने इस्माइल को पूरी तरह से उसे विभाग दिया है बट बांट दिया है और परमेश्वर उसे कहता है कि तेरा जो इकलौता पुत्र ईसा के तू उसको ले

ये अब्राहम और सारा के बीच में इस शब्द का उपयोग नहीं हुआ। बट इट is mentioned बिटवीन Abraham and Isaac, a father and a सन। लेकिन पहली बार इस शब्द का उपयोग अब्राहम और इसाक के बीच में एक पिता और पुत्र के बीच में। The Bible says that we are sons। और पवित्र शास्त्र कहते हैं कि हम पुत्र हैं। That means we are loved by our father। इसका मतलब हम पिता से हम प्यार पाए हुए हैं। See, Ishmael was of the flesh. का जन्म जो शरीर या देह के रूप में हुआ है। बट द स्पिरिट लेकिन जो ईसा है वो आत्मा की ओर से बिकॉज वेन दे जब ईसाक का जन्म हुआ तो शारीरिक तौर पे वो दोनों भी तैयार नहीं थे कि किसी बच्चे को वो जन्म दे his son, सन एंड गोइंग

सब कुछ करके उस स्थान की ओर चला सो अब्राहम रोज अर्ली इन द मॉर्निंग ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ही डिड नॉट क्वेश्चन गॉड ही डिड नॉट डाउट इट whether it was the voice of god but he just followed what god had told him he arose early in the morning and he took everything that was needed and Ab went to the mountain of moriah अब अब्राहम सुबह की छोर पे जल्दी उठ जाता है परमेश्वर के आवाज को वो स्थिर है वो जानता है उसने कोई शक नहीं है क्या सही में ने मेरे से बात की है नहीं परमेश्वर वो पूरा भरोसा रखते हुए जो भी होम बली त्याग बली के लिए जरूरी चीजें है वो उसका पूरी तरह से वो अपने साथ लेकर ईस्सा के साथ आगे जाता है माउंटेन ऑफ टू गो परमेश्वर कहता है तू मोरिया उस पर्वत पर आ जा और मैं तुझे बताऊंगा तुझे आगे क्या करना है परमेश्वर ने उसे वही एक स्थान नहीं बताया लेकिन एक मार्ग बताया कि उसे कहाँ जाना है दिस अ प्रॉमिस फ्रॉम गॉड बट वी हैंग ऑन टू द प्रॉमिस एंड नॉट द प्रोमिस Uh, और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है परमेश्वर ने उसे रहा दिखाई नहीं बताया right? हमारे जीवन में भी ऐसा होता है परमेश्वर हमें वायदा देता है हम वायदे को पकड़े रखते हैं लेकिन देने वाले को सो डिड नॉट क्वेश्चन अब्राहम ने परमेश्वर की वाणी कोई भी सवाल उठाया नहीं वोक अप इन द मॉर्निंग एंड ही लेफ्ट विद ऑल नाउ

Amen. Amen. Now, if you look at Genesis 21 12. But God said to Abraham, Do not let it be displeasing in your sight because of the lad or because of your bound woman. Whatever Sarah has said to you, listen to her voice, for in Isaac your, she, your seed shall be called. तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसाक ही से चलेगा सो इब्राहम न्यू दैट हिज सीड वाज इन आई ऑल द दैट गॉड हैड मेड टू टू हिम गोइंग बी डिलीवर्ड थ्रू प्रोम अब्राहम जानता था उसका वंश इसाक में है जो कुछ वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया वो इसाक के द्वारा ही पूरा होने वाला है Amen. Amen. So he is going on a journey with Isaac, his son, who is his promise, to offer him as a burnt sacrifice to the Lord. तो अब एक सफर पे जा रहा है अपने पुत्र इसाक के साथ, जिसमें उसका सारा

लड़का और मैं वहाँ जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा दिस इज दाइम और ये जो पहली बार है दंडवत या आराधना का का शब्द उपयोग हुआ है सो वर्शिप नॉट सिंगिंग एंड डांसिंग तो यहाँ पर जो आराधना है वो गीत गाना या नाचना नहीं था बट फॉर वाज जस्ट हिम और यहाँ पर अब्राहम के लिए दंडवत करना आराधना करना केवल था परमेश्वर की वाणी का आज्ञा पालन करना नाउ इफ यू रीड इट फर्दर इैड एंड आई विल गो योंडर एंड वर्शिप एंड वी विल कम बैक टू यू एब्राहम इज गोइंग टू अ सन सो ही शुड आइडियली है

From the dead, because God had made him a promise, and God will keep His promise. और अब्राहम का वो विश्वास था कि अगर भले ही ईसा को कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर योग्य है कि उसको मरे हुए से ईसा को जिलाएंगे, क्योंकि सारा जो आशीष परमेश्वर ने ईसा के द्वारा रखा है। Let's let's look at Hebrews 11:17. इब्रानिया की किताब 11:17 देखेंगे। by faith abraham when he was tested offered up isaac and he who had received the promise offered up his only begotten son of whom it is said in isaac your seed shall be called concluding that god was able to raise him up even from the dead from which he also received him in a figurative sense faith, Abraham और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिसने यह कहा था कि इसाक से तेरा वंश कहलाएगा वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि मरे हुए में से जिलाए सो उन्हें उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला सी वाज वेरी फोकस्ड अब्राहम बहुत ही वो उसका जो दृष्टिकोण था वो एक केंद्रित था

पहला वचन कहता है कि अब्राहम की परीक्षा होने वाली है नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड टेम्पटेशन और बहुत ही फर्क है कि जो परीक्षा में पढ़ना और टेम्पटेशन मतलब वासना में या फिर जो भी आपके सामने चुनौती है उसमें पढ़ना आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ टेस्टिंग एंड टेम्पटेशन

and fall short of God. देखिए जो शैतान है वही आपको जो वासना में गिराएगा परमेश्वर नहीं क्योंकि वो चाहता है कि शैतान चाहता है कि हम उस पाप में गिरे और फिर हमारे से पाप हो इसलिए सो हिज जर्नी ऑफ थ्री डेज इब्राहिम जर्नी ऑफ थ्री डेज वॉज एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ हिज ओबीडियंस और जो अब्राहम के तीन दिन का सफर था सच में वो उसकी आज्ञा पालन की एक परीक्षा थी सो वी मूव फॉरवर्ड So Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. So his hand, and he took the fire in his hand and a knife, and the two of them went together. So Isaac has carried his wood up to the mountain.

की आज्ञा पर अपने पुत्र की बलि चढ़ाने जा रहा है days from the place to go to Mount Moriah। जिस स्थान पर वो था मोरिया पर्वत जाने तक उसको तीन दिन लगे left and one on the right। और उनके साथ दो एक दाई और एक बाई और for Abraham, Isaac was already dead. अब्राहम के लिए इसाक पहले से ही मर चुका है बट इट वॉज आफ्टर थ्री डेज दैट एब्राहम केम डाउन विद आइजैक लेकिन ये तीन दिन के बाद अब्राहम इसाक के साथ लौट आया Have you heard of this before? क्या ये पहले सुना है कभी? Amen. let's move forward. So, Isaac carried his own wood, took the fire in his hand and the knife, and the two of them went together. तो इसाक ने खुद लकड़ी उठाई छुरा उठाया जो कुछ जरूरी था और खुद दोनों आगे बढ़े सो एब्राहम मेड श्योर एवरी थिंग दैट वॉज नीडेड फॉर द सेक्रीफाइस वॉज टेकन विथ हिम तो अब्राहम ने यह निश्चित किया जो कुछ त्याग बलि के लिए जरूरी है वो अपने साथ ले जाए He wanted to obey God's command. If he had any doubt or if he didn't want to sacrifice his son,

बट वेयर इज द लैम्ब ऑफरिंग क्या आप कल्पना कर सकते हैं अब्राहम के साथ क्या हुआ होगा जब उसका बेटा उसे पूछता है कि लकड़ी है अग्नि है लेकिन भेड़ कहाँ है आई मीन पीपुल वुड हैव जस्ट ब्रोकन डाउन कोई अगर इंसान तो उधर ही टूट जाता पूरी तरह से वुड हैव गिवन अप हार मान लेता एंड वुड हैव सेड लेट्स गो बैक और कहता कि छोड़ दे और हम लौट जाएंगे बट अब्राहम कंटिन्यूड एंड अब्राहम सेड बट Isaac spoke to Abraham, and Abraham said, My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. If anything we can take from this, I would say take the faith that Abraham had in God. अगर हम कुछ सीख सकते हैं ना तो मैं मैं सोचता हूँ कि हम ये सीखे कि जो विश्वास अब्राहम के पास था उसी तरह हमारे पास होना है इवन वेन ही इज ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट स्टेप ही स्टिल बिलीविंग दैट हिज प्रोविजन इज गोइंग टू कम फ्रॉम गॉड एंड नो मैन देखिए जब ये वो आखिरी स्तर पे था फिर भी वो फिर भी उसका विश्वास था कि जो कुछ मुझे जरूरत है वो परमेश्वर की ओर से आएगा कोई इंसान की ओर से नहीं आएगा him, order, Isaac, son, और वे उस जिस परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया आई जैक नेवर कम्पलेंड नेवर फोट बैक नेब्राहम इसक ने कोई भी कम्प्लेन नहीं की कुछ भी उसको बुरा भला नहीं कहा या फिर उसे वहां से भाग जाने की कोशिश नहीं की आई जैक सरेंडर टू एब्राहम जस्ट एज अड गॉड जीजस सरेंडर टू द फादर अब्राहम ने उसी तरह का समर्पण अपने पिता को किया जिस तरह का समर्पण यीशु मसीह ने अपने पिता को किया था इब्राहम आई मीन आइजैक कुड जैक इजीली डिफेंडेड ही कैरीड हिज ओन वुड सो ही वाज ग्रोन इनफ टू कैरी द वर्ड फॉर द सेक्रीफाइस बट ही डिड नॉट ही सिंपली ओबेड द कमांड ऑफ हिज फादर खुद का बचाव कर सकता था वहां पे लिखा है कि ईशाक ने खुद वो लकड़ी और आग लेकर चला इसका मतलब ईसाक इतनी तरह से उसका वो बढ़ चुका था कि खुद की वो रक्षा या बचाव कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया एंड एब्राहम स्ट्रेच आउट हिज हैंड एंड टुक द नाइफ टू स्ले हिज हैंड बट द एंजल ऑफ द लॉर्ड कॉल टू हिम फ्रॉम हेवन एंड सेड एब्राहम ऐब्राहम सो ही सेड Here I am. और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छिरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे तब यह हुआ कि दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा हे इब्राहिम हे इब्राहिम उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ So the burnt offering. If you look at burnt offering in the Old Testament, it is not simple. अगर होम बलि के बारे में अगर पुराने नियम में हम पढ़ेंगे ना तो वो कोई साधारण सी बात नहीं है. So if you look at burnt offering of the animals which was done,

और उसके बाद उसको अग्नि पे चढ़ाया जाता था एंड दैट स्मोक फ्रॉम द फायर व्हिच वेंट अप ऑन टॉप प्लीज्ड गॉड और जिससे वो सुगंध या फिर जो द्रव्य बाहर निकलता था वो परमेश्वर को प्रसन्न करता था दिस इज व्हाट अब्राहम वाज गोइंग टू डू विद हिज सन इजैक और यही सब बातें अब्राहम अपने पुत्र इसहाक के साथ करने जा रहा था एंड जस्ट एज ही रेज्ड हिज हैंड टू स्ले हिम और जैसे वो अपना <coughs> हाथ उठाता है कि अपने बेटे के ऊपर छुरी चलाए

परमेश्वर अब्राहम के दिल को जानता था इसके लिए परमेश्वर जानता है कि ये क्या करेगा इसके लिए परमेश्वर उसको दोबारा आवाज देता है बिफोर ही कुड गेट हिज हैंड ऑन हिज सन गॉड वॉन्टेड हिम टू होल्ड बैक जिसके पहले कि वो अपने पुत्र को मार डाले परमेश्वर चाहता था कि वो अपने हाथ को रोक ले दिस इज हाउ मच गॉड केयर्स अबाउट हिज प्रॉमिस और इतना परमेश्वर अपने वायदे के लिए वो ख्याल करता है ही इज टेस्टिंग अस नो डाउट वो हमारी परीक्षा कर रहा है इसमें कोई शक नहीं है बट ही नोस द प्रॉमिस दैट ही हैज मेड विद अस लेकिन वो जानता है जो वायदा उसने हम में रखी है एंड ही इज गोइंग टू स्टिक ऑन टू दैट प्रॉमिस और वो उस yeah. अपने वायदे पर वो टिका रहने वाला है सो इफ यू सी ऑफ व्हाट वाज स्पोकन और व्हाट वाज शेयर्ड टुडे यू हैव लव अगर हम देखेंगे आज जो हमने पढ़ा है तो सबसे पहला प्रेम या प्यार यू हैव फेथ विश्वास And you have hearing the voice of God. Can you imagine the distress level that Abraham was going through? From the time he heard the voice of God in verse 2, till the time the voice of God tells him to stop.

The depth of his love for us. If anything, you all can take back from here. Just, just take back his love for you from this place. He loves each and every one of us. That is why he calls us a son. Irrespective of the gender, we are sons of the living God. और वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें पुत्र करके बुलाते हैं चाहे हम लड़की हो लड़का हो जो भी हो लेकिन परमेश्वर हमें पुत्र करके बुला, कर, बुलाते हैं जैसे अब्राहम ने विश्वास किया कि जो उसकी जरूरत है वो परमेश्वर पूरा करेगा आज आप भी विश्वास करें जो कुछ आपकी जरूरत है वो पर, प्रभु परमेश्वर ही पूरे करेगा Let's just close our eyes and let's pray. Tusey, Jane, Jiva, and Emma say, Put it up, put it up, put it